और इसी बीच बड़ी खबर गुरुग्राम से। आज गुरुग्राम में कैब नहीं चलेगी। ओला उबर के ड्राइवर हड़ताल पर हैं और साथ ही दिल्ली सचिवालय के पास जमा होकर ओला उबर के ड्राइवर आज जमा होंगे और साथ ही कंपनी की पॉलिसी का विरोध यहां पर उनकी ओर से किया जाएगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक हड़ताल का ऐलान ओला उबर के ड्राइवर की ओर से किया गया है। तो आज गुरुग्राम में कैब नहीं चलेंगी। ओला या उबर किसी भी कंपनी की कोई कैब यहां पर चलती हुई नजर नहीं आएंगी। ज्यादा जानकारी लेंगे गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता गुरुग्राम से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुलशन, ओला और उबर की ड्राइवर्स की हड़ताल है तो ऐसे में गुरुग्राम कितना प्रभावित होने वाला है? देखिए बिल्कुल, ये ऐप बेस्ड टैक्सी का इस्तेमाल जो करने वाले लोग हैं ओला उबर, आज इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आज ओला और उबर के ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं जी। हालांकि जो लोग हैं आज वो बस और मेट्रो का सहारा ले सकते हैं क्योंकि गुड़गांव में मेट्रो भी चलती है और डीटीसी बसें भी चलती है। तो कहीं ना कहीं जो लोग ओला और उबर का सहारा लेते थे आज इनको बड़ी दिक्कत होने वाली है क्योंकि जो ड्राइवर है वो आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक दिल्ली सचिवालय में जुटेंगे और कंपनी की जो पॉलिसी है उसका विरोध करेंगे। इन लोगों की मांगे है कि जो ओला और उबर का किराया है जी, वो सरकार की ओर से तय किया जाना चाहिए ना कि कंपनी की ओर से, क्योंकि कंपनी जो है टैक्सी जो चालक है उनको काफी नुकसान होता है इस कंपनी की पॉलिसी से और सरकार की अगर पॉलिसी होगी तो उन्हें फायदा होगा। साथ ही उनका कहना है कि जो सुबह शाम का जो कैब का चार्ज होता है क्योंकि शाम को जो है जो जाम जो है काफी बढ़ जाता है उससे कंपनी का जो चार्ज है वो बढ़ जाता है, इसका फायदा जो है चालकों को मिलना चाहिए ना कि कंपनी को मिलना चाहिए। हालांकि इससे पहले जो है वो कंपनियों को मिलता है, चालकों को नहीं मिलता है। साथ ही जो पूल और शेयरिंग सिस्टम है उनका कहना है वो बंद हो, क्योंकि जो शेयरिंग से आजकल जो ओला और उबर चलती है उससे जो लड़के और लड़कियां दोनों जो है एक साथ सफर कर सकते हैं। हालांकि जो इसकी जिम्मेदारी है वो चालकों को उठानी पड़ती है। ऐसे में चालक का कहना है कि हमें जो है बड़ी परेशानी होती है जब लड़के और लड़कियां एक साथ बैठ जाते हैं, यदि कोई भी अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार जो है वो चालक होगा। ऐसे में शेयरिंग जो सिस्टम है वो भी बंद होना चाहिए और डीजल और पेट्रोल में CNG के जो दाम जो है वो कम किए जाए, काफी बढ़ चुके हैं। और एक साथ में एक और AITP परमिट है जो कि उनका कहना है कि वो 9 साल तक किया जाए, क्योंकि जो NCR परमिट और इकोनॉमिक टैक्सी का जो परमिट है वो कम से कम 14 साल का किया जाना चाहिए, 9 साल का नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह की लगभग 6 मांगे हैं उनकी। आज 6 मांगों को लेकर वो दिल्ली के सचिवालय में जुट रहे और कंपनी की पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी मैं बता दूं कि ओला और उबर के ड्राइवर जो है हड़ताल पर गए थे जी, लेकिन उस समय जो है इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि कुछ टैक्सी चालक जो है फिर भी चला रहे थे टैक्सियां, लेकिन उसके बावजूद वो जो और जो टैक्सी चालक है वो उनका विरोध कर रहे थे और रास्ते में रोककर उन सभी जो लोग वहां जो बैठे हुए थे उस गाड़ी के अंदर उनको भी उतार रहे थे। हालांकि आज देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये टैक्सी चालक एक साथ एकजुट हो पाएंगे या अभी भी उनके अंदर एकजुटता नहीं रहेगी। हालांकि सुबह 10 बजे से ये आज जो है दोपहर 3 बजे तक ये हड़ताल है। अब देखना होगा कि इस हड़ताल से कितना जो है गुलशन, क्या 3 बजे के बाद में सभी जो ड्राइवर्स हैं वो वापस काम पर लौट जाएंगे? देखिए बिल्कुल, समय सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक का है क्योंकि दिल्ली सचिवालय में सभी जो टैक्सी चालक है जो दिल्ली NCR के हैं वो वहाँ पर एकजुट हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि एकजुटता अगर दिखाएंगे तभी ये 6 मांगे जो है हमारी पूरी होंगी, अगर एकजुटता नहीं होगी तो सभी टैक्सी चालक एकजुटते के ऊपर भटकते रहेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार इस टैक्सी जो हालांकि जो आज हड़ताल पर है जो टैक्सी उससे कितना प्रभाव जो है दिल्ली NCR के लोगों पर जी। चलिए बहुत शुक्रिया गुलशन ग्रोवर तमाम जानकारी के लिए। तो ओला और उबर के ड्राइवर्स आज हड़ताल पर रहने वाले हैं और दिल्ली सचिवालय के बाहर सभी ओला और उबर के ड्राइवर्स एकजुट हो रहे हैं और साथ ही यहां पर अपनी मांगों को उठा रहे हैं। करीब 6 मांगे उनकी हैं जिसको लेकर ओला और उबर के ड्राइवर्स सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक हड़ताल पर हैं।